अबे सीधे बैठ, नहीं तो इतने हाथ मारूंगा थोबड़ा टेढ़ा हो जाएगा। छाकाल, इसकी चाल को समझो। ये चाहता है तुम इससे झगड़ा करो ताकि पुलिस इसको हमसे अलग रख दे। इस ऑन स्क्रीन खतरनाक विलेन का बेटा है बेहद स्मार्ट, डैशिंग और टैलेंटेड। बॉलीवुड स्टार्स को नचाता है अपनी उंगलियों पर। जी हाँ, बॉलीवुड फिल्मों में स्टंट और विलेन का बड़ा रोल होता था। खासकर 70 का दशक में स्टंट को काफ़ी महत्व दिया जाता था। उस दौरान में विलेन हीरो पर कई बार भारी पड़ते थे। ऐसे ही एक विलेन थे MB शेट्टी, जो 70 के दशक के पॉपुलर विलेन रहे। स्टंट ही नहीं, लुक और एक्सप्रेशन भी उनके बेहद खतरनाक थे। बॉलीवुड के मशहूर स्टंटमैन के तौर पर बेहद लोकप्रिय रहे MB शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर की थी। इसके बाद वो एक्शन डायरेक्टर बने। MB शेट्टी की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। पढ़ाई में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, ऐसे में उनके पिता ने उन्हें मुंबई भेज दिया कि वहाँ इतने बड़े महानगर में छोटे मोटे काम करके वह अपना गुजारा कर लेंगे। मुंबई आकर MB शेट्टी वेटर बने, उनका मन नहीं लगा और तभी बॉक्सिंग में उनकी दिलचस्पी जगी। बॉक्सिंग में MB शेट्टी ने महारत हासिल कर ली। उन्होंने कई टूर्नामेंट जीते। MB शेट्टी को कनेक्शन और स्टंट में बॉलीवुड के नाम से भी खूब जाना जाता है। लेकिन एक दिन वह अपने ही घर में फिसल कर गिर गए और उन्हें काफ़ी चोट लगी। स्टंट के दौरान उन्हें काफ़ी चोटें पहले से ही लग चुकी थीं। ऊपर से यह हादसा उनका शरीर झेल नहीं पाया। कम समय में ही वह दुनिया से विदा कह गई। MB शेट्टी की वाइफ रत्ना भी अपने समय में बॉलीवुड की जानी मानी स्टंट लेडी रह चुकी हैं। बता दें कि MB शेट्टी के बेटे रोहित शेट्टी, रोहित ने बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमाया है। रोहित शेट्टी गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, सिंगम, पोल बच्चन और सिम्बा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।